दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कूलपैड नोट 3 लाइट में मार्शमेलो जो कि कूल यूआई 8 पे बेस्ड है उसको कैसे फ्लैश करें। तो आइए देखें, आप मेरा वीडियो देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम, आप देख रहे हैं री टेक्निकल, सो कम एंड लेट स्टार्ट। तो दोस्तों चलिए शुरू करें कि कैसे अपने फोन में कूलपैड नोट 3 लाइट में मार्शमेलो इंस्टॉल करें। तो सर आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पहली चीज़ है यहाँ पे ड्राइवर, दूसरा है जो एसपी फ्लैश टूल जिससे कि आप रोम जो है फ्लैश कर सकते हैं, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट मार्शमेलो जो कि बेस्ड है कूल यूआई पे। तो देखिए कैसे कर, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी अपने फ़ोन में आप जो कंप्यूटर है उसमें ड्राइवर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको अपना फ़ोन अभी कनेक्ट नहीं करना, यहाँ से आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है माई कंप्यूटर की, वहाँ से आपको डिवाइस मैनेजर खोलना है। डिवाइस मैनेजर खोलने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एक्शंस पे, एक बार आप दोबारा क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऐड लेजेसी हार्डवेयर, वहाँ पे जाइए, नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल हार्डवेयर कीजिए, शो ऑल डिवाइस पे हैव डिस्क पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ब्राउज पे। तो ब्राउज जो कि आपने जहाँ पे तीनों फाइल है जो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा डाउनलोड करने का, जहाँ पे भी आपने एक्सट्रैक्ट करा है वो खोलिए। ड्राइवर, ड्राइवर एंड्रॉयड सीडीसी ड्राइवर विंडोज 7, और जब आपकी उसके हिसाब से अगर आपकी 32 है तो आप 32 वाला यूज़ करिए, मेरी 64 है तो मैं 64 यूज़ करूँगा। 64 पे क्लिक करके ओके करके नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट करके यहाँ पर यहाँ पे जो है ड्राइवर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको बोलेगा एनर रिकॉर्ड, उसका कोई दिक्कत नहीं, आपको फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपको कार्ड देना है डिवाइस मैनेजर आपने खोला था, उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा अब जो हमारा पहला सेशन है ड्राइवर वो हो चुका है, अब इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे जाना है एसपी फ्लैश टूल, फ्लैश टूल पे जाने के बाद फ्लैश टूल पे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। फ्लैश टूल पे डबल क्लिक करते ही अभी यहाँ से कुछ देर में ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं एसपी फ्लैश टूल है वो यहाँ से ऑन हो चुका है। अब ये बोलेगा आपको स्केटर लोडिंग, स्केटर लोडिंग जाइए, फिर से उसी फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपने सारी तीनों जो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सट्रैक्ट करा है। अब आपको जाना है मार्शमेलो रोम जो मैंने आपको बताया था अभी, उस पर डबल क्लिक कीजिए। फोल्डर के बाद यहाँ पे एक स्केटर फाइल होगी, यहाँ से आप डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड होने पर रहना है, डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके यूएसबी से कनेक्ट करना है। यूएसबी से कनेक्ट करने के बाद आपको जब आप जिस समय यूएसबी से कनेक्ट कर रहे होंगे आप वॉल्यूम डाउन की दबाएंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, ताकि जो एसपी फ्लैश टूल है वो आपका फ़ोन डिटेक्ट कर पाए। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस है फ्लैशिंग का वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लैश करके दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा जो फ़ोन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, तो अभी के लिए मैं आपको, अगर आपको दिक्कत आती है फ्लैश करने में तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से आप फ्लैश कर पाएंगे, और फ्लैश करने के बाद ये आप फ्लैश होने जैसे 100% हो जाए, ग्रीन निशान राइट टिक का आ जाए, ओके करके आप डिस्कनेक्ट कीजिए और फ़ोन नॉर्मली ऑन कीजिए। फ़ोन जो आपका 5 से 10 मिनट में ऑन हो जाएगा जो कि मार्शमेलो बेस्ड पे होगा, और उसके बाद आप जो है आपने अपने फ़ोन को सक्सेसफुली कूलपैड नोट 3 लाइट को मार्शमेलो और जो कि बेस्ड है कूल यूआई 8 पे फ्लैश कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक आपने री टेक्निकल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर रोजाना टेक वीडियोज लाता रहता हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।